एपिसोड 512, डर का साया। जुल्मी दिलीप काका को अस्पताल जाने से रोकने के लिए चला गया। अनन्या बोली, तुम लोगों को लगता है कि ये कर पाएगा? विकी हैरान होने का नाटक करता हुआ बोला, ये तुम बोल रही हो। जुल्मी पर अंधा यकीन तो तुम ही करती हो, और आज तुम्हें ही उस पर यकीन नहीं है, जबकि ऐसे उटपटांग काम वो बहुत अच्छे से कर सकता है। अनन्या ने कहा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर उसने बोला कि नहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाइए, तो लोग क्यों मानेंगे? लोग तो यही समझेंगे ना कि ये ऐसी बेवकूफी वाली बात कर रहा है, उनकी हालत जैसी है उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। ध्रुव ने बात खत्म करते हुए कहा, उसने कहा है ना तो वो देख लेगा, हमें चलना चाहिए। ध्रुव सबको लेकर चला गया और जुल्मी दिलीप काका के घर के भीतर आया तो उसने देखा सब उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जुल्मी बोला, अरे रुकिए रुकिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इन्हें अस्पताल क्यों ले जा रहे हैं? जुल्मी के बापू ने कहा, ये कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो जुल्मी, देख नहीं रहे हो दिलीप भाई की हालत कैसी है? हमें उन्हें अस्पताल ले जाने दो, हटो यहाँ से। जुल्मी बोला, अरे बाबू हम तो ये कहने आए हैं कि उन्हें अस्पताल ले जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको तो लगता है इन पर भूत प्रेत का साया है। आप लोगों को क्या लगता है? आप ही सोचिए ना, खेतों से काम करके आए शाम में और पड़ गए, उसके बाद से उठे नहीं और कमजोर होते जा रहे हैं। बापू आप ही तो बताया करते थे कि जब भूत या चुड़ैल का साया पड़ जाता है तो आदमी कमजोर हो जाता है और उसको अजीब सा बीमारी होने लगता है जो किसी के समझ में नहीं आता है। अब आप ही लोग बताइए कि इनको डॉक्टर को बुलाकर वैद्य जी को बुला बुला कर दवाई दिया गया, लेकिन जरा भी सुधार नहीं हुआ। हमको लगता है आप लोगों को इन्हें अस्पताल लेकर नहीं जाना चाहिए, वरना इनकी जान पक्का जाएगी, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर इनकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। जुल्मी की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। जुल्मी के बापू ने कहा, वैसे हमको तो जुल्मी का बात सही लग रहा है, अनजाने में ही सही, लेकिन उसने एक तर्क तो दिया है, आप लोग क्या कहते हो भाई? दिलीप काका के बेटे ने कहा, लेकिन अगर अस्पताल नहीं ले गए और ये कोई बीमारी ही हुई और बाबा की जान चली गई तब क्या होगा? देखिए मैं आप लोगों की तर्क से मना नहीं कर रहा हूँ, जुल्मी जो कह रहा है वो मुझे भी सही लग रहा है, लेकिन पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर तो नहीं हुआ जा सकता ना। जुल्मी बोला, अरे भैया आप चिंता क्यों करते हैं, हम है ना, हम एक ऐसे वैद्य को जानते हैं जो कस्बे में ही रहते हैं, उनके पास से दूर शहर शहर से लोग आते हैं इलाज करवाने, कई ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है उसके बारे में भी उनको जानकारी होती है और वो सही इलाज करते हैं और कुछ ही दिनों में इंसान भला चंगा हो जाता है। हम अभी जाते हैं वैद्य जी को लेकर आते हैं और तब तक आप लोग इनको अस्पताल नहीं ले जाइए। हम तो कहते हैं तारा जी जो इन सब चीजों के बारे में जानती है, आप लोगों को तो पता ही है, तारा जी को बुला कर लाइए और उनसे एक बार दिखाइए, वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगी कि कोई ऊपरी हवा है या क्या है। जुल्मी के बापू बोले, अभी तो वो लोग यहीं आए थे, तब तूने कुछ क्यों नहीं बोला, और तारा बिटिया ने भी कुछ नहीं बताया, अगर उसको कुछ समझ में आया तो। जुल्मी ने कहा, कैसी बात करते हैं बापू, अपने मन से वो कैसे कुछ बता सकती है, और वो तो दूर से देखकर चली गई ना, इन सबको भी समझने का एक तरीका होता है, उस तरीके को करने के बाद ही वो समझ पाएंगे। हमको तो लगता है कि हम जा रहे हैं वो वैद्य जी को लाने, और बोले तो हम जाते जाते तारा जी को भेज दें। तारा को ये लोग बहुत मानते थे और ये भी जानते थे कि तारा का ज्ञान बहुत कारगर है, इसीलिए किसी को भी इस बात में कोई विरोध नहीं हुआ और दिलीप के बेटे ने कहा, हाँ जुल्मी तू तारा को भेज दे, एक बार वो देख लेगी और वो जो बोलेगी उस हिसाब से हमें तसल्ली हो जाएगी। तारा को तो बड़े पुजारी भी बहुत मानते थे, उसका बात गलत कैसे हो सकता है। जुल्मी अपने मन में बोला, बस हो गया सारा प्रोग्राम सेट, हम कोई ऐसे आदमी थोड़ी हैं, हम जो जिम्मेदारी लेते हैं बड़ा अच्छा से निभाते हैं। इतना कहते हुए वो मुस्कुराता हुआ खड़ा था। जुल्मी के बापू बोले, ये क्या बड़बड़ा रहा है, जल्दी जा तारा बिटिया को भेज दे, और तुझे जहाँ जाना है जहाँ भी वैद्य जी को लाने, वहाँ के लिए निकल और जल्दी लेकर आ, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम समय से अस्पताल जाएं। जुल्मी हड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। जुल्मी जैसे विक्की के घर पहुंचा उसे वहां देखकर सब हैरानी से बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है, हम भी तो अभी अभी घर पहुंचे, हमारे पीछे आना था तो हमारे साथ ही आ जाता। अनन्या ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था जुल्मी नहीं कर पाएगा, तुम लोगों ने बेमतलब इस पर प्रेशर बनाया। कोई बात नहीं जुल्मी, अगर तुम नहीं कर पाए तो हम कुछ और ऑप्शन देखते हैं। जुल्मी हैरानी से बोला, लेकिन हम क्या नहीं कर पाए ये तो बताइए। अनन्या ने कहा, तुम नहीं रोक पाए ना दिलीप काका को हॉस्पिटल जाने से। जुल्मी बोला, अरे क्यों नहीं रोक पाए हैं? विक्की बोला, अब ये तो तू ही बताएगा कि क्यों नहीं रोक पाया है,
हमें क्या पता कि क्यों नहीं रोक पाया। जुल्मी झल्लाता हुआ बोला, अरे हम कह रहे हैं बिल्कुल रोक पाए हैं, और हम ये बात भी बोल दिए हैं कि लगता है दिलीप काका पर कोई ऊपरी हवा का साया है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं एक बार ताराजी उन्हें देखें। ताराजी पर सबको बहुत विश्वास है। ताराजी एक बार आप जाइए और बोल दीजिए कि दिलीप काका पर किसी ऊपरी साये का खतरा है, इस वजह से उनकी हालत हो गई है, तो ये लोग शांत हो जाएंगे। और वैसे भी उन सबका समाधान तो ध्रुव को ही करना है, और ध्रुव आपका दोस्त है तो साथ में ही रह लेगा, तो किसी को ध्रुव पर कोई शक नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव तो एक सामान्य इंसान है ना सबके लिए। और तब तक हम वैद्य जी को लेकर आएंगे। जुल्मी ने कहा, तुम हो वैद्य जी और कौन? विकी हैरानी से बोला, मैं और वो भी वैद्य, कैसी बात कर रहा है? जुल्मी ने कहा, अरे उन लोगों को ये लग रहा था कि अगर ऊपरी भूत प्रेत का साया नहीं हुआ तो कहीं दिलीप काका का जान खतरे में ना जाए, इसलिए हमने उन्हें कहा है कि हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो असाधारण रोग भी ठीक कर सकते हैं, जिस रोग के बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन हम तो किसी ऐसे वैद्य को जानते नहीं है, इसीलिए तुम चलोगे हमारे साथ वैद्य बनकर। जुल्मी की बात पर सब बिना पलके झपकाए उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। जुल्मी बोला, क्या तुम लोग हमको ऐसे क्यों देख रहे हो? विकी ने कहा, हम लोग देख रहे हैं कि बाप बनने के बाद तू कितना समझदार हो गया है, तेरे पास कितने अच्छे आइडिया आने लगे हैं। जुल्मी मुंह बनाता हुआ बोला, चुप रहो, हम हमेशा से समझदार थे। तारा ने उन लोगों की बहस को खत्म करते हुए कहा, जरा तो सिचुएशन को समझा करो तुम लोग, हद होती है, अब तो हम बोल बोल कर थक गए हैं। एनीवे तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैं और ध्रुव जा रहे हैं। अनन्या बोली, मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? मुझे क्यों इन दोनों के बीच में छोड़कर जाना चाहती हो? मैं नहीं झेल पाऊंगी इन लोगों को, मैं भी चलूंगी तुम दोनों के साथ। तारा हंसती हुई बोली, देख लो बेचारी अनन्या तुम दोनों को झेलने से इतना घबरा गई कि अभी आई है थकी हुई, ये फिर हमारे साथ जाने को तैयार है। जल्द ही तारा, ध्रुव और अनन्या वापस दिलीप काका के घर जाने के लिए निकल गए। और जुल्मी विकी से बोला, तुम्हारा थोड़ा सा साज सिंगार करना पड़ेगा। विकी ने कहा, तू क्या चाहता है, मैं लड़कियों का लिपस्टिक लगाकर और झुमका पहनकर चलूं तेरे साथ? जुल्मी बोला, नहीं नहीं तुम ऐसे ही बहुत डरावने लगते हो, वो सब पहनकर तो और भयंकर लगोगे, हमारा मतलब था तुमको वैद्य जी बनाकर ले जाना है तो वैसा ही कुछ तैयारी कराना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर में आते हैं सारा सामान लेकर। विकी ने कहा, कौन सा सामान, कहाँ जा रहे हो? जुल्मी बोला, कहीं नहीं, बस यही गाँव के नाटक मंडली से कुछ सामान लेकर आ रहे हैं ताकि तुम्हारा साजो सिंगार कर सके। जुल्मी चला गया था, विकी घर पर अकेला था। शाम हो गई थी और थोड़ी सी गहरी भी होने लगी थी, वो पूरी तरीके से सूर्यास्त होने के करीब था। घर पर अकेले विकी को बोरियत महसूस हो रही थी, इसलिए वो बाहर निकलकर बगीचे में टहलने लगा और जुल्मी के आने का इंतजार करने लगा। अभी विकी को थोड़ी ही देर हुई थी टहलते हुए कि उसे लगा जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। विकी रुक गया और उसने पीछे पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। विकी ने अपने मन में कहा, क्या विकी तू भी, कौन हो सकता है तेरे पीछे, पूरे घर में तू अकेला है। और वो फिर से टहलने लगा, लेकिन इस बार उसने अपने कानों में ईयरफोन पहन लिया था और मोबाइल पर म्यूजिक सुन रहा था। म्यूजिक बंद हो गया, फोन चेक किया तो फोन में प्रॉपर म्यूजिक प्ले हो रहा था। उसने हेडफोन लगाया और फिर से लगाया, और फिर कुछ देर म्यूजिक चला और फिर से म्यूजिक बंद हो गया। इस बार विकी कुछ कर पाता उससे पहले हेडफोन से जोर से चीखने की आवाज आई, और विकी ने एक झटके में हेडफोन निकालकर फेंक दिया, और उसने देखा कि उसका हेडफोन पिघल रहा था जैसे उसमें आग लग गई हो। विकी के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल भी एकदम गर्म होने लगा था, और अब उसे लग रहा था उस फोन से उसका हाथ जल जाएगा। विकी ने तुरंत फोन को भी छोड़ दिया। उसकी घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ भागने लगा और जुल्मी से टकरा गया। जुल्मी जो दोनों हाथों में थैला पकड़े हुए था हैरानी से विकी को देख रहा था, बोला, क्या हो गया, कहाँ भागे जा रहे हो, ऐसे भाग रहे हो जैसे आग लग गई। विकी घबराता हुआ बोला, हाँ आग तो अभी लग गई है, वो देख मेरा हेडफोन अपने आप जलने लगा और मेरा मोबाइल वो भी अंगारे की तरह दहक रहा था। जुल्मी ने देखा विकी का हेडफोन एक तरफ फेंका हुआ है और मोबाइल भी नीचे पड़ा हुआ है। जुल्मी आया और उन दोनों चीजों को उठाकर बोला, भांग धतूरा खा लिए हो क्या, कहाँ आग लगा हुआ है और इस तरीके से अपना मोबाइल फेंक दिए हो? हाँ तुम लोग तो बहुत अमीर हो, एक फोन टूट जाएगा दूसरा ले लोगे, इतना ही पैसा है तो ये फोन हमको दे दो, अपने लिए नया ले लो। विकी हैरानी से जुल्मी के पास आया और उसके हाथ में अपने फोन और हेडफोन को देखकर बोला,
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरा हेडफोन पूरी तरीके से जलकर पिघल रहा था और मोबाइल भी बिल्कुल गर्म हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी फट जाएगा, और अभी ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल है। जुल्मी ने कहा, हमको लगता है तुमको आराम करने का जरूरत है। रहने दो, हम तुमको वैद्य जी बनाकर नहीं ले जाएंगे। पता चला कि उससे भी तुम्हारे दिमाग में कुछ से कुछ हो जाएगा। हम किसी दूसरे वैद्य जी का इंतजाम कर लेंगे, तुम आराम करो। विकी चिढ़ते हुए बोला, मैं पागल नहीं हो गया हूँ जुल्मी कि बहकी बहकी बात करूंगा और अपनी चीजों को फेंक दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, बल्कि मेरे कान में भी कोई जोर से चीखा था, उसके बाद ही मैंने ये हेडफोन निकाला था। मैंने जब उसको फेंका है उसके बाद ये जलना शुरू हुआ है। विकी की बात पर जुल्मी उसे घूर कर देखता हुआ बोला, सच में तुम हमको डराने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हो? विकी ने कहा, नहीं यार, तारा की कसम मैं सच कह रहा हूँ। और कुछ? अब तो जुल्मी के पास विकी पर यकीन नहीं करने की कोई वजह नहीं थी। जुल्मी घबरा कर बोला, उसका मतलब यहाँ पर कोई जानबूझकर ये सब कर रहा था? विकी ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जुल्मी बोला, वैद्य जी को मारो गोली, एक काम करते हैं, हम दोनों भी दिलीप काका के घर चलते हैं, ध्रुव के साथ रहेंगे। विकी को भी जुल्मी की बात सही लगी। विकी ने जल्दी जल्दी घर का दरवाजा लॉक किया और जुल्मी के साथ दिलीप काका के घर के लिए निकल गया। उन दोनों के जाते ही वो ताला अपने आप खुला और एक झटके में खुल गया और कुछ देर बाद वापस धड़ाम से बंद भी हो गया।